लेने वाला मैं देख सकते हो ये चीज़ अच्छा है। ये पूरा ऑनलाइन ऑनलाइन राइवल के लोकल राइवल ऑनलाइन के लिए क्विक टूर्नामेंट वर्ल्ड कप ये सब अभी अनलॉक है। कुछ नहीं खुलेगा, क्या पता कब खुलेगा। खरीदना भी पड़ सकता है, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं कर दिया है, शायद खुल जाएगा पूरा। यहाँ पे तो ये सब तो मेंशन किया है कि कितना पैसा लगेगा। यहाँ पे सबसे मेरे को एक चीज़ लगा कि गेम प्ले में रियलिज्म का कुछ ऐड नहीं हुआ है, फिर एनिमेशन कैमरा एंगल ये सब बदला है, बस कुछ नहीं बदला। आपको एक गेम प्ले करके दिखाता तो ये मैं यहाँ पे दो ओवर का चूज करता हूँ। तो जो WCC2 का जो प्रॉब्लम था टीम मेंबर का नेम एकदम अलग अलग, तो मैं अपनी पाकिस्तान लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे सब स्टेडियम ज़्यादातर स्टेडियम ही यहाँ पे फिर अच्छा कोट लादा मसाला दो यूएई का जो स्टेडियम सब यहाँ पे लॉक्ड है। सिर्फ हम यहाँ ढाका चले या लंदन से कर सकते, तो लंदन मैंने चूज़ किया, उसको नाइट करके ओके किया। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का नया जर्सी क्या है जो आईवी जर्सी वर्ल्ड कप में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ठीक है उससे कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देख सकते कोई एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है, सब प्लेयर का नाम अलग अलग है, किसको समझ में क्या है पर नहीं पता। पाकिस्तान का लाइनअप कुछ वहाब रियाज अहमद ये कुछ समझ में आ रहा है, बाबर आजम। लेकिन इंडिया का पूरा क्या तोसी वीर भास्कर, तो WCC को सबसे पहले तो प्लेयर नेम ओरिजिनल डालना पड़ेगा, जर्सी नंबर भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे 10, 12, 15, 16, 20 देख सकते हैं यहाँ पे प्लेयर स्टेप जैसा WCC इसमें भी होता था, अब उसको चेंज भी नहीं कर सकते, इसका जो है वही रहेगा। और 15 खिलाड़ी नहीं है, 11 खिलाड़ी है, कोई आप सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। चलो गेम पे दिखाता हूँ, यहाँ पे कैप्टन चूज किया गया वहाँ से। चोपड़ा का कमेंट्री है और इंग्लिश में मैथ्यूरिंग का कमेंट्री बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं तो मैं यहाँ पे हेड्स चूज करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे बल्लेबाजी करता हूँ। बढ़िया एडवांटेज है, बड़े स्कोर में तब्दील करना चाहेंगे इस एडवांटेज दोनों, ये सब एंगल अच्छा किया, लेकिन जो फर्स्ट कटिंग है वो कार्टून ही रहा। रियल क्रिकेट का फेस रियलिज्म बहुत ही बेहतर है इससे, लेकिन कुछ एनिमेशन खराब है रियल क्रिकेट का। इसका एनिमेशन अच्छा है लेकिन जो ये सब किया गया कंट्रोल बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैंने थोड़ा सीखा है, बढ़िया जजमेंट, तेज रनिंग, बढ़िया रन बटोरा बल्लेबाजों ने। यहाँ पे सब कुछ मैनुअल है, हाथ करने की मंशा से आए हैं मैदान पर, तुक्के के साथ ऐड किया गया। यहाँ से इसको पकड़ के अरे ओह ही इज आउट हैंडलिंग द बॉल, आई मीन अपने आप से नाराज भी हो गया और मेरा आउट हो गया। दिखा नहीं था ठीक ठाक, चलो टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे। खराब टाइमिंग, संकट के बादल मंडरा रहे हैं इस बल्लेबाज पर। चलो रन ले तो स्पिन का ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे डब्ल्यूसी टीम में था। वेस्ट नहीं किया, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, थ्रो का भी मान रहा है, अब थ्रो भी मैनुअली हो चुका है, तो बॉलिंग टाइम मैं आपको दिखाऊंगा। स्लैम, खूबसूरत टाइमिंग, जबरदस्त शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। अगर मैंने लगाया होता तो मैं बहुत ही गौरवान्वित होता। तो रिवर्स मारा अच्छा खासा, तो ठीक है चलो इसको देखते क्या मारते हैं। डाउन द ग्राउंड सीधा शॉट, लेकिन कहलाएगा स्लॉग। चलो अच्छी बात है, बॉल को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे दोस्त। सो सो देखना पड़ेगा इस बॉल को कैसे खेलता हूँ। अरे जो चलो ये बाउंड्री हो जाए, हाँ चलो
ओवर की आखिरी गेंद देकर गई है चौका। एक और ओवर की समाप्ति, समय है बॉलिंग में चेंज का। दो ओवर में देखते क्या, बहुत ही प्रभावशाली है ये मीडियम बॉलिंग करना, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है। आप एक ही तरह का बॉल करते ही जाओगे, स्पेशल डिलीवरी डालने के लिए तो कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचे और जड़ दिया कवर्स के ऊपर से। ये बाउंड्री तो गई ही क्या भाई, बाहर चल जा रही है, ऐसे भाग के ले लेता। यहाँ पर स्प्रिंट बहुत ही अच्छा, रन आउट चांस बहुत ही कम है। यहाँ पर रन आउट का चांस हमको लगता है थोड़ा बढ़ाना चाहिए। क्या इतनी अद्भुत कैच पकड़ी जाएगी, ऐसा सोचा नहीं था बल्लेबाज ने, बढ़िया पकड़ा कैच। चलो यहाँ पे रिप्ले देख लेता हूँ कैसे रिप्ले है। WCC 2K जैसा ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। WCC 2K का ये शोरो चले, बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। स्टैट्स ज्यादा नहीं गवानी है, ऐड किया गया करियर में जो सबसे वेटिंग वाला फीचर था वो अभी भी इनेबल नहीं हुआ है। भाग भाग भाग, हमको लग रहा है टाइमिंग परफेक्ट है, लगी अच्छी है कनेक्शन और बढ़िया थ्रो भी। एक को किया दो में तब्दील, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। खूबसूरत गेंद हवा में तैरती हुई नजर आई है, क्या कनेक्ट नहीं हुआ था। चलो रन तो मिल जा रही है, चलो दो रन तो मिला। लास्ट बॉल में छक्का मारा तो अच्छा होगा, देखते क्या होता है। चलो जबरदस्त शॉट है ये, ओवर की समाप्ति इससे बेहतरीन अंदाज में संभव नहीं। 6 रन जोड़ दीजिए, ओवर की समाप्ति। नाउ ओवर टू द नेक्स्ट बॉलर, एक्सीलेंट इनिंग्स। नई गेंद आज पूछ, समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का, शुरुआत कर रहे हैं ऑफ स्पिनर के साथ। ये सब फिर इधर ही घूमेगा क्योंकि ऑफ स्पिनर है, भारी बॉल जाएगा। प्लेसमेंट अच्छा, फुटवर्क अच्छा, दूसरा डिलीवरी डालने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मीटर है, ऑरेंज फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो। दो दो हाथ करने की मंशा से आए हैं मैदान पर, तुक्के के साथ किया है आरंभ। देखो पता ही नहीं है कि इसमें ऑप्शन, जबरदस्त स्वीप बैट्समैन के द्वारा, छक्का लगा दिया लग रहा है, चौका, वन बाउंस और चौका। चांसेस बहुत ही टफ है ये, राउंड द स्टंप्स जाने का किया है फैसला, रोचक होने का चांस है बहुत ही ज्यादा है। फील्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदर्शन, अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा। बेटर सेव देन सॉरी, बल्लेबाज जोखिम उठाएगा नहीं। डॉट बॉल, पांचों उंगलियां मिलके बन जाती है मुट्ठी और यही काम कर रही है ये टीम। एक और नो बॉल, ये एक्स्ट्रास बाद में बहुत महंगे पड़ेंगे इस टीम को। और क्रीज में खड़े बल्लेबाज के लिए रॉकेट की स्पीड से गई है गेंद, ये फेंस तक, गेंदबाज के छक्के छुड़ा दिए, छक्का जड़ दिया। ये इतना बड़ा नहीं दिया गया जो स्पेशल रिव्यू डालने का, ये बहुत ही घटिया है। क्लासिक कंट्रोल ये लोग बोल रहे हैं कि लेके आएगा, कब लेके आएगा पता नहीं। तो ये कंट्रोल से बढ़िया फील्डिंग, बल्लेबाज के पास रन लेने का मौका नहीं। मिड विकेट पे खड़े फील्डर की तरफ सीधा मारा ड्राइव, रन नहीं मिले। मेरे को बॉलिंग से तकलीफ, अरे यार चौका आ गया। चलो डायरेक्ट थ्रो होगा, इसे कहते हैं बढ़िया फील्डिंग। बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं, बहुत ही अच्छा थ्रो। फील्डर्स पे डाला दबाव, एक को किया दो में तब्दील, बल्लेबाज बहुत खुश होंगे इस ओवर से। बहुत बढ़िया लगता है, मुकाबला अंत के बिल्कुल करीब, आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर। ये लगता है कैच, ये कैच तो नहीं हुआ, तो पकड़ भाई। नॉट, जबरदस्त शॉट के साथ एक करारी शुरुआत, पहली गेंद पहला चौका। ऐसे रिंग से ही गुजरा है तब से,
डायरेक्ट ठीक तो किया मैंने। मुश्किल से एक डेढ़ स्टंप दिख रही थी उस एंगल से, और क्या सटीक निशाना। आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्लेबाज को, क्योंकि रन आसानी से ये फील्डर देगा नहीं। बल्लेबाज के मन में है थोड़ी सी शंका, अभी भी है खामोश। यार फाइनल काउंटडाउन के समय आया है एक धमाकेदार चौका। इस गेंद को दर्शक दर्शन के लिए भेज दिया है। 6 रन, टाइम फॉर अ फ्री हिट। अच्छा मौका है बल्लेबाजी यूनिट के लिए कुछ रन बटोरने का। लग रहा है जाऊंगा यार। हवा में गेंद को भेजा है, बहुत दूर भेजा है, ये देखकर जाएगी पारी की सब। बल्ला घूमा, स्टेडियम झूमा, कांटे का मुकाबला, कमाल की जीत। जीत के साथ चल पड़ा है इस टीम का आगे की तरफ कारवां। सामने वाली टीम ने नेस्तनाबूद कर दिया आपकी टीम को। लग रहा है कि ग्राउंड एक ही है, जहां से कुछ और अपने खेल पे चेंजेस नहीं है। अब तो जो प्लेयर है वो WCC 2 जैसे ही है, कार्टूनिस्ट। बल्ले के साथ किया जबरदस्त प्रहार, बिल्कुल सही है ये मैन ऑफ द मैच के हकदार। ये सब एनिमेशन ऐड करके क्या होगा भाई, खेला में कुछ ऐड करो। मेरे ख्याल से ये मतलब एवरेज है, उतना भी अच्छा नहीं है। तो ओके गाइस, एंजॉय दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आपको ये इसका क्या क्या अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, रियल नहीं करता। जब अच्छा मनता है तब वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।